नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के मुख्य मार्ग पर शाम के समय भीड़ बढ़ने के साथ यातायात जाम होने की रोजाना ही घटनाएं होती हैं। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा सोमवार नई पहल करते हुए खुद ट्रैफिक व्यवस्था को देखने का जिम्मा लिया। कोतवाली पुलिस और यातायात विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका और व्यापार महासंघ से भी बातचीत कर सहयोग करने को कहा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय, स्वयं यातायात व्यवस्था के संबंध में अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में एक मीटिंग लिए हैं, जिसमें यह डिसाइड हुआ है कि माधवगंज से तिलक चौक तक वन वे रहेगा और साथ में ये जो कार्रवाई सुबह शाम के समय 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा और साथ में अपने यातायात के प्रभारी, अपने CSP साहब मौके पर रहेंगे, अपने TI साहब रहेंगे। और दूसरी ये डिसाइड किया गया है कि नगर पालिका से मिल करके ये रोड के किनारे में लाइनिंग डलाई जाएगी और साथ में जो भी टू व्हीलर वगैरह गाड़ी आते हैं और जो रोड में पार्किंग होती है उनके खिलाफ चलानी कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।